एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू मॉम लाइफस्टाइल चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना चोको चिप आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 5 बनाना। मैंने सिर्फ यहाँ पर 5 ही बनाना लिए हैं, अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब मैं बनाना को एक एक करके मैं ये सारे अच्छी तरह मैं इसको छील लूँगी, और जो इसके अंदर से ये जो ये वाइट वाइट जो नीचे ये लगता है, ये इसको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। अच्छी तरह से छीलने हैं इसको आपने। और अब मैंने ले लिया एक प्लेट। अब मैं बनाना को अच्छी तरह से छील कर सारे बनाना को एक प्लेट में रख लूँगी। अब ये ऐसी करके मैं दूसरा बनाना छील लूँगी, और ऐसी करके मैं सारे के सारे बनाना छील लूँगी। और ये देखिए, ये मेरे सारे बनाना यहाँ पर मैंने छील के रख लिए हैं। अब मैं इनको काटूँगी, और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जब भी काटें आपको छोटे छोटे पीसेस में काटना है, और जितना हो सके आपको छोटे पीसेस में कट करना है। बड़ा पीसेस में कट नहीं करना, आपको छोटे ही पीसेस में कट करना है जितना हो सके। तो मेरा ये पहला बनाना मैंने अपना काट लिया। अब ये दूसरा भी काट रही हूँ। ऐसी करके मैं सारे बनाना यहाँ पर कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरे सारे बनाना हो गए हैं कट। और अब मैं इसको एक बाउल में रख दूँगी सारे बनाना को। अब ये सारे बनाना मैंने बाउल में रख लिए हैं, और इनको मैं थोड़ा अलग अलग करके इसको ढक कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम 5-6 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी, जब तक ये थोड़े से हार्ड ना हो जाएं। और ये मेरे 5-6 घंटे मैंने यहाँ पर रख लिया था। और ये देखिए, बनाना का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया है, और ये थोड़े हार्ड हो गए हैं। थोड़े फ्रोज़न से होने चाहिए, थोड़े हार्ड होने चाहिए। और इनको और अब ये देखिए टूट नहीं रहे हैं। इनको हल्का सा चम्मच से इनको अलग अलग कर कर इनको आप मिक्सी में इसको डाल लीजिए। ये देखिए, मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ, और इनको साथ साथ मैं इसको अलग भी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया ये डेरी मिल्क की चॉकलेट, और अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूंगी। आपको आधा ग्लास से भी थोड़ा सा कम दूध डालना, एकदम थोड़ा डालना है दूध, आपको ज़्यादा दूध नहीं डालना। और एक बार मैं इसको दूध डाल के इसमें और मैं इसको मिक्सी में अच्छी तरह से मैं इसको चला लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने एक बार मिक्सी में चला लिया है। अब मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए, अभी इतना ग्राइंड हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी ये चॉकलेट। ये मैंने डेरी मिल्क की चॉकलेट ली है, बड़ी वाली। आप चाहे 10-10 की 3-4 भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 40 वाली ली है यहाँ पर, एक ही चॉकलेट। अब मैंने चॉकलेट को तोड़ के मैंने एक साथ सारा इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको मिक्स चलाऊँगी। और आपको एक साथ नहीं चलाना, आपको धीरे धीरे करके मिक्सी में ग्राइंड करना है, और उसको चेक करते रहना है, क्योंकि जो चॉकलेट है एकदम से ग्राइंड नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके ग्राइंड होगी। तो आपको ये देखिए, इसमें थोड़े थोड़े चॉकलेट चिपके इसमें आ रहे हैं फ्लेवर सा। तो आपको धीरे धीरे करके मिक्सी को चलाना है, एकदम से नहीं चलाना, बस ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े खाना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर चला लिया अच्छी तरह, मेरा हो गया अब ये। ये देखिए, इसमें अब फ्लेवर आ गया है पूरा चॉकलेट का। तो अब मैं इसको कटोरी में डाल लूँगी, और जो बचा है मेरा मैं उसको एक अलग से बाउल में रख लूँगी। मैंने कटोरी में इसलिए डाला है ताकि जल्दी से इसमें ठंडा हो जाए, और जो बचा हुआ है और उसको मैंने अलग से एक बाउल में डाल लिया था। अब ये मैं दोनों कटोरी में डाल लूँगी इसको अलग अलग। उसमें आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहे तो फ्रीज़र में रख सकते हैं एकदम पूरा ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, मेरे ये बनाना चोको चिप रेडी हो गई है आइसक्रीम। ये देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे बनाना और ये चॉकलेट के कैसे अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। और ये देखिए, मेरी हो गई है आइसक्रीम एकदम टाइट, ठंडी हो गई है। आप वैसे भी खा सकते हैं और फ्रीज़र में रख के भी खा सकते हैं। और अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आपको बाहर तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तो आप घर में एकदम फ्रेश बनाकर खाइए। ये देखिए, इसमें आप खाएंगे तो आपके मुंह में छोटे छोटे चॉकलेट के फ्लेवर जैसे दाने से आएंगे। तो ये मेरा हो गया है बनाना चोको चिप आइसक्रीम रेडी। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।